Assalamualaikum, this is me सारा शाहान, welcome back to my YouTube channel। तो start करती हूँ मैं आज का vlog, और आज जो है वो रमज़ान का छठा रोज़ा है। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, और आज संडे है तो मेरे बेटे ने भी आज रोज़ा रखा था, तो मैंने कहा यार उसने आज रोज़ा रखा है तो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आज उसका रोज़ा, वैसे उसका पहला रोज़ा नहीं है, उसने पहले पिछले साल भी रोज़ा रखा था, बट मैं ऑफिस में थी तो मुझे यकीन नहीं था उसके ऊपर। और आज उसने सेकंड रोज़ा भी उसने रखा था, बट मैं तब भी घर पे नहीं थी, तो मैंने कहा यार कुछ रोज़ा नहीं है, बच्चा छोटा है अभी ना। तो आज जो है वो संडे है, तो मैंने आज रात को बोला यार आज तुमने रोज़ा रखा है, तो आज उसने रोज़ा रखा है तो आपके साथ मैंने शेयर करना है। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है मेरे साथ। और जिन जिन ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अच्छे से कमेंट कर दिया करें, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं रेयान के पास, और अभी जो टाइम है वो ऑलमोस्ट हो रहे हैं तकरीबन 1 बज रहा है ना, तो 1 बजे उठाए और उठने के बाद अब चलते हैं, मिलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहा है। रेयान आज आपका रोज़ा है? यस। है रोज़ा तोड़ा तो नहीं है? नो। पानी वानी तो नहीं पिया? नो। अरे मेरा बच्चा बहुत गर्मी है यार, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। रेयान जो है ना ये ना पुराना है, ये मतलब पुराना नहीं पिछले साल का है, इसमें ये धुलेगा धोगे? मैं दो इसमें, ये जो है ना अभी रेयान इसमें नहाएंगे, और ये री रानो पढ़ रही हो, पेपर हो रहे हैं वो भी रमज़ान में, है रोज़ा लग रहा है। रैना को तो आदत है, रैना तो रोज़े रखती है, रेयान को आदत नहीं है। रेयान को वैसे रोज़ा लग रहा है? लग रहा है क्या लग रहा है? प्यास लग रही है या भूख लग रही है? प्यास। चलो भाई बच्चा आधा टाइम गुजर गया, बस थोड़ा सा टाइम रहता है, अभी नहाओगे नहा के लेट जाना। अब बताओ मेरे को प्यास क्यों? मेरे को प्यास लग रही है, धूप अभी मैं गया था इसलिए कहते सामान लेने के लिए घर का, तो मेरे को तो धूप लग रही थी तभी मैंने नहीं जाते ना। किससे कहा था जाओ? सामान लेने क्यों गए थे? नहीं जाते ना। चलो तुम ये तैयार कर लो, जब तक मैं नीचे अफ्तारी हो गया ना उसको धो लो, मैं जब तक अफ्तारी बना दूँ, अफ्तारी का सामान। हम आपको अब मिलेंगे शाम में, जब तक के लिए अल्लाह। और यहाँ भाई हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि औरत का काम किचन के बगैर तो हो ही नहीं सकता, ख़ास तौर पे रमज़ानों में। तो मैं आ गई हूँ नीचे, यहाँ पे मैं किचन में बता देती हूँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे कुकर में मैंने चढ़ा दिया कीमा, यहाँ मैं बना रही हूँ कीमा, ये है आलू, आलू बना रही हूँ समोसों के लिए, क्योंकि मैं पूरे हफ्ते के ना आलू बॉयल करके रखती हूँ संडे वाले दिन, क्योंकि भाई टाइम नहीं होता मेरे पास। तो ये आलू हैं, ये बॉईल करके फिर इसका मैं जो मसाला होता है समोसों का वो बना के रख दूँगी। और रोज़ाना मैं ताज़े समोसे बनाती हूँ, जितने मैं चाहिए होते हैं, ज़्यादा बंदे हैं ही 6-7 डेली बनते हैं, तो वो है। यहाँ पे जो है वो मैंने निकाला है बेसन, यहाँ पे मैं घोल रही हूँ बेसन, और ये है आलू के लिए, आलू के पकौड़ों का बेसन, और ये है पालक के समोसों का, सॉरी पालक के पकौड़ों का बेसन। ये आलू मैंने काट के रखे हैं, ये मैं कीमे के अंदर डालूंगी। तो भाई अभी किचन फैला हुआ है, अभी मैं यहाँ पे बर्तन वर्तन सब धोए हैं, सब साफ़ है, और ये पतीले शतीले निकाले हुए, मैं खाना बनाती हूँ तो फिर शेयर करती हूँ आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसके आलू भी काट लिए हैं, और यहाँ जो है वो मैंने आलू का बेसन जो है वो भी बना लिया है, ये थोड़ा सा गाढ़ा है, ये पतला होगा जब मैं बनाने लगूँगी, जब पतला करूँगी। और ये है पकौड़ों का, सॉरी पालक के पकौड़ों का। ये जो है ना रेयान, देखें रेयान ने आज रोज़ा क्या रख लिया है, रेयान जो है ना आज निकल नहीं रहा है, ये देखो। ओ जी रोज़ा रखा है तो मतलब तुम क्या यहीं पड़े रहोगे? यस। क्या रोज़ा ज़्यादा लग रहा है? जी। है जी। तुम कितने दफा नहा चुके हो? तू दूसरी दफा नहा रहे हो? जी। कितनी देर से? तीसरी दफा नहा चुके हो? कितनी देर से यहाँ लेटे हुए? उठो ना, सुबह से लेटा हो। तुमने इसको बेडरूम बनाया हुआ है? ये बहुत अच्छा है, इस पर लेट के आराम से पानी आता रहेगा, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। तो आज गर्मी लग, रोज़ा लग रहा है ना? जी। चलो ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आपको अभी मैं आपको एक चीज करके दिखा दूँ, मैंने नाई सीखी भाई, आपने पुरानी देखी भी होगी, आपको दोबारा करके मम्मा पार्ट करके गिनती गिनेगा, आपको मैं कर सकता हूँ, देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ भाई रोज़ा नहीं कर ऐसी हरकतें। चलो अब मैं बाय।
नहीं आया नहीं बेटा नहीं 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 देखो नल है पीछे लग जाएंगे सर पे, नहीं ऐसे नहीं करो। अब आ जाओ, आओ थोड़ी देर सो जाओ अभी। नो, दो घंटे रह गए वैसे भी। नो, मैं अभी नहाना है। यही सोएगा जी? गुड्डू छुड्डू है मेरा, कौन सा बेबी है मेरा, शहजादा है। उठ जाओ। मम्मा मैं, चलो फिर आ जाओ थोड़ी देर में। सही है सर, मैं आपको आधे घंटे बाद आ जाऊंगा। आधे घंटे में नहीं, 5 मिनट में आओ। आ जाओ बेटा, और मास्क पहन दी सुहेल की? यस। चलो वैसे तो अभी जो टाइम हो रहा है वो ऑलमोस्ट बज रहे हैं तकरीबन 5:30, और मैं थोड़ी देर सो गई थी और सोने के बाद अभी उठी हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैंने ऑलरेडी सारा काम कर लिया था, खाना मैंने बना लिया था, पकोड़े वगैरह का मसाला सारा बना लिया था। तो अभी चलते हैं और चल के हम सिर्फ बनाते हैं, पकौड़े तलते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं, ठीक है? तो कहीं नहीं जाना, रहना है मेरे। मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है, ये उस टाइम नहा नहू के और सो गया था, और सोने के बाद अभी जो है ये नमाज़ पढ़ रहा है असर की। अभी ये नमाज़ पढ़ ले, फिर हमसे पूछते हैं कि सर रोज़ा कैसा लगा कि नहीं लगा। हे लवले चरी बच्चा। लाइट हमारी जा चुकी है और अभी है इफ्तार का टाइम, तो बस हम जल्दी जल्दी फ्रूट काटते हैं और फिर फ्रूट चाट बनाते हैं। और रियान जी, शरबत बना रहे हो जी? हैं, ये तुम्हारा फेवरेट शरबत है? Yes. है, बहुत पसंद है? Yes. बस बस, इतना ज़्यादा नहीं घुमाना उसको। ले आओ, रेडी है। थोड़ा सा और कच्चा है। कच्चा चीनी है नीचे, घुल गई चीनी? नहीं ना, वही तो कच्ची है, पता चल रही है चीनी। Yes. शरबत जो है ना वो अक्सर हमारा बेटा बनाता है, ऐसा है? शहान शरबत बनाता है? कोई नहीं, कोई शरबत नहीं बनाता, ये शहान शरबत बनाते हैं हमारे शहान। मुझे टाइम ही नहीं मिलता। ओह, बहुत बिजनेस मैन हो तुम, टाइम नहीं मिलता, क्या करते हो? पतंग उड़ाते। पतंग उड़ाते शाम में ना, ये छत पे जाते हैं पतंग उड़ाते। चलो ये रेडी है तो ये आ जाओ। और यहाँ पे जो है वो हमारी इफ्तार जो है वो रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे जो है वो हमने इफ्तारी लगा ली है। अफ्तारी में है हमारे पास वही जो हम बना रहे थे, ये हमारा खाना है, दाल चावल आलू कीमा। और ये है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ज़्यादा वायरलेस में मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। और ये है सब चीज़ें, और ये है रानो, और रानो को जो है वो है रोज़ा लग रहा है। रानो रोज़ा लग रहा है तो आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, है ना? रानो 2 मिनट में रोज़ा खुल जाए। क्या कह रहे हो रियान? इतना वाइल वाइल लगा। हाथ धोकर आओ जाके। चलो आओ, हम लोग रियान का ये वैसे पहला रोज़ा नहीं था, ये रियान का तीसरा रोज़ा था। रियान ने एक रोज़ा पिछले साल रखा था ना, टांग बेटा नीचे करते हैं ना, बुरी बात। पिछले साल मैंने 3 रखे थे। कोई नहीं, एक रखा था पिछली दफ़ा, एक रोज़ा रखा था, अभी सेकंड रोज़ा। पिछले साल एक रोज़ा रखा था ना? पिछले महीने, पूरे महीने में एक रोज़ा रखा था। पिछले साल एक रोज़ा रखा था, अभी तुमने सेकंड रोज़ा रखा था। पिछले महीने में खाली एक रोज़ा रखा, पूरा महीना बता तो रही हूँ। पिछले महीने एक रोज़ा रखा, पिछले साल एक रोज़ा रखा था, अभी रोज़ा रखा है तुमने, परसों सेकंड रोज़ा। और अभी जो है वो मुझे भरोसा नहीं था, तो इसलिए आज मेरी छुट्टी थी, तो आज मैंने कहा कि रोज़ा आज रखो मेरे सामने। तो आज मेरे सामने मेरे बेटे ने रोज़ा रखा है, बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि मैंने इसको नज़र रखी है इसके ऊपर सारी, है ना? आप चौकीदार बनी हुई थी? मैं चौकीदार बनी हुई थी तुम्हारी। भाई अल्लाह ताला मेरे बेटे को ऐसे बहुत से रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए हैं, मतलब पाला पाला शाह बीतता है। गए रियान के पास और अब मैं आ गई हूँ अपने बेटे से मिलने के लिए। अल्लाह मेरे बेटे को दीन और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता करे, और उसे नेक और 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन सुमा आमीन। खजूर खा ली रियान? यस। जल्दी से पियो, जल्दी से पियो, शाबाश। आओ आनो, जल्दी आ जाओ, जल्दी। सुकून मिला बहुत। अरे यार, अफ्तारी शफ्तारी हो गई ज़बरदस्ती, अब आए हैं चाय पीने, अब हम पियेंगे गरम गरम चाय। और यहाँ भाई चाय बनाने वाला कोई नहीं है, तो खुद ही आना है, खुद ही करनी है, खुद ही ने बनानी है। तो आई हूँ मैं किचन में और बनाती हूँ अच्छी सी चाय, ताकि सुकून मिल जाए। चाय जो है ना वो हमारे घर में कोई भी नहीं पीता, कोई भी नहीं पीता सिवाय मेरे, एक मैं वाहिद हूँ जो चाय बनाती हूँ, इसलिए मैंने। और बस ये जैसी चाय बनती है तो फिर हम जाते हैं किचन, हमारा भी समेटना है। हमने वैसे अभी इतना गंदा है नहीं, लेकिन ये कि हम सारा साफ़ वाफ़ कर देंगे और फिर आराम से हम चाय पीते रहेंगे।
ये हो गई चाय तैयार। इस टाइम बज रहे हैं रात के 10 और हम सब काम करके फारिग हो चुके हैं। नमाज़ पढ़ ली है और काशी भी पढ़ लिया है और बस अब सोने की तैयारियां हो रही हैं। तो यहां पे मैं अपने व्लॉग को करती हूं एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।